हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे एक डैड फोन के लेटेस्ट मॉडल पे। ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है, रेडमी 10A। अगर ये डैड फोन आपके पास में आता है या कोई सा भी डैड फोन आपके पास में आता है तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप डैड फोन को रिपेयर करना होता है, हमारी वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अगर एडवांस सीखना चाहते हो यार तो नया बैच भी शुरू होने वाला है कल, बस एक आध दिन का टाइम है तो कांटेक्ट करिएगा। ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन में एडमिशन कराइए, वरना ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। खुद को अपडेट करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके पास में कोई भी डैड फोन आता है तो नंबर वन स्टेप पे आपको वही चेक करना है जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, यानी आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। क्या चेक करना है? शॉर्टिंग कहाँ पे? सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे, ठीक है। रिवर्स वाइज मतलब रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देंगे, ब्लैक वाले को यहाँ लगाएंगे तो आपको जीआर मिलना चाहिए 350 से प्लस में। अगर इतना मिल रहा है तो ओके है, इससे कम है तो इसका मतलब हाफ शॉर्टिंग या लीकेज है, ठीक। फॉरवर्ड वाइज मतलब अब आप क्या करें, ब्लैक प्रॉप को यहां लगा दें, रेड को यहां लगाएं, उल्टा कर दें तो इस कंडीशन में 1000 से प्लस में जीआर मिलना चाहिए। जीआर मतलब डायोड वैल्यू ग्राउंड रीडिंग, ठीक, मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिलता है तब भी आपकी लाइन में लीकेज या हाफ शॉर्टिंग मानी जाएगी। अब इसको कैसे निकालें, अगर कमेंट करोगे तो ट्रिक दे दूंगा लीकेज निकालने की, ठीक है। यह है आपकी स्टेप नंबर वन। क्या है? स्टेप नंबर वन। यहां पर अगर ओके है तो दूसरी स्टेप फॉलो करें और ये पावर आईसी आपकी जो लगी है 6358 मीडियाटेक की, यहाँ पे आप देखें तो ये बीपीएच के कैपेसिटर है, इसलिए जल्दी यहीं पे कर लें। इन चारों पे आपको जीआर चेक करना है और ये भी आपका होना चाहिए 350 से प्लस में। अगर 350 से कम जीआर होता है इसका मतलब इस बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, इस बीपीएच लाइन में क्या है, लीकेज है। VPH लाइन की शॉर्टिंग कैसे निकालें, इस पर डिटेल में मैंने प्रैक्टिकली थ्योरिकली कई वीडियो डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये स्टेप नंबर टू है। अगर जीआर इससे प्लस है तो ओके है, कम है तो पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे आपके फोन में शॉर्टिंग। दो स्टेप हो गई। अब मान लीजिए जीआर यहां भी ओके है, यहां भी ओके है, अब करेंगे हम हॉट टेस्टिंग, ठीक। हॉट टेस्टिंग में फोन को चार्जर लगा देंगे, ठीक है, चार्जर लगा देंगे, 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। स्टेप नंबर थ्री में आप क्या करेंगे, ये जो आपके वीपीएच के कैपेसिटर हैं, इन पर आप वोल्टेज चेक करेंगे जो कि आपको 3.7 वोल्ट से प्लस में मिलना चाहिए, यानी ऊपर मिलना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर तीन, ठीक। अगर ये वोल्टेज कम मिलता है या मिलता ही नहीं है तो इसका मतलब आपकी चार्जिंग आईसी फॉल्टी है। चार्जिंग आईसी में बीक्यू लगी हुई है, बीक्यू पे जाइए, इनपुट चेक कीजिए, अगर इनपुट ओके है तो आईसी को, चार्जिंग आईसी को रिप्लेस कीजिए। ये थी स्टेप नंबर थ्री, वीपीएच वोल्टेज 3.7 से प्लस में होना चाहिए, ओके कंडीशन। अब सपोज कीजिए एक दो तीन, तीनों कंडीशन ओके है, चौथी कंडीशन में क्या करेंगे आप, फोन में कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, लीकेज भी नहीं है, वीपीएच भी इंटर कर रहा है, तो चौथी स्टेप में आप पावर की बटन का वोल्टेज चेक करेंगे। क्या करेंगे? पावर की बटन का आप वोल्टेज क्या है चेक करेंगे। पावर की बटन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको यहां पे देखिए, यहां पे आपको पावर बटन मिल रहा है, ठीक है, यहां से जंप उठा के यहां लगा दीजिए, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर करना चाहें तो बक वोल्टेज आप चेक करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ चार्जर लगा के भी चेक कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस पावर पॉइंट पे 1.8 वोल्टेज से 4.2 वोल्ट के बीच में मिलना चाहिए, क्योंकि मीडियाटेक है और मीडियाटेक के चिपसेट्स में मोस्टली जो पावर की बटन का वोल्टेज है वो बीपीएच का ही सेम मिलता है, जो जितना बीपीएच वही पावर की बटन का। वेल, यहां पे आपको चौथी स्टेप फॉलो करनी है और ये वोल्टेज कितना मिलना चाहिए मैंने बता दिया, चार स्टेप हो गए। अब आपका वीपीएच भी ओके है, पावर की बटन का वोल्टेज भी ओके। अगर पावर की बटन का वोल्टेज ओके नहीं है तो पावर आईसी फॉल्टी मानी जाएगी, इसको रिप्लेस करिए। लेकिन अगर पावर की बटन का वोल्टेज भी ओके है, चार्जर लगा रहने दें, क्या करें, जो आपकी बक क्वाइल्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला आपका जो कैपेसिटर है, ये इस पे ये VS1 का है और यहां पे आपको 2.0 वोल्टेज मिलना चाहिए, यानी 2 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आपको मिलने चाहिए, ठीक। अगर ये नहीं मिलते हैं पावर आईसी रिप्लेस करेंगे, ये फॉल्टी है।
ये स्टेप नंबर फाइव है। पांचवी स्टेप में आप बक वोल्टेज चेक कर रहे हैं और ये बक वोल्टेज में इस वाले कैपेसिटर पे आपको ये VS1 का है तो 2 वोल्ट मिलने चाहिए और ये वाला जो कैपेसिटर है ये इस पे आपको 1.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये VS2 है। ठीक है, बाकी आपके बक वोल्टेज और भी है, इनको आप चेक करेंगे VBA के अलावा, बाकी सब पे नॉर्मली तौर पे 0.8 0.9 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे, बन जाएंगे। अगर फिर भी नहीं बन रहे हैं तो बक लाइंस वगैरह में कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, उसको आपको चेक करना है। ये पांच स्टेप्स हैं, कितनी हैं? पांच स्टेप, इनको आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका फोन बन ही जाएगा। हाँ, अब हो सकता है किसी फोन में बक वोल्टेज आपके स्टेबल ना मिले, हो सकता है फिर बक वोल्टेज नहीं बन रहे थे, पावर रिप्लेस किया आपने, बन गए। लेकिन किसी किसी फोन में क्या होता है कि बक वोल्टेज तो बनते होते हैं लेकिन उनमें फ्लक्चुएशन होता है, स्टेबल नहीं होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप कमेंट करिएगा बक वोल्टेज पे, मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के दूंगा और ऐसी वीडियो बना के दूंगा जो आपकी नॉलेज को आसमान पे पहुंचा देगी, मतलब काफी ऊंचाई पे पहुंचा देगी। तो आप जो है कमेंट करेंगे तभी मैं आपको वीडियो दूंगा। अरे यार, ये फाइव स्टेप थी Redmi 10A, दोनों में से कोई सा भी मॉडल हुआ या इसके अलावा अदर भी मॉडल, इन पे आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इसके आगे भी काफी कुछ है जो आपको चेक करना है, जैसे ये वोल्टेज अगर स्टेबल हो तो पीसी पोर्ट चेक करिएगा, ये सिमेटिक है तो वॉच डॉग चेक करिएगा, ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज बस यहीं पे मैं एंड करूंगा अपनी वीडियो को, क्योंकि देखो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतना कुछ मैं नए नए मॉडल लाता रहता हूं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके कह सकते हैं कि साहब इस मॉडल पे डिटेल में वीडियो दे दीजिए, बना दूंगा। साथ में लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, और अगर खुद को अपडेट नहीं करोगे यार, कब तक कॉम्बो जैग ये यहीं पे टाइम बर्बाद करोगे, खुद को अपडेट करो, आईसीयू पे काम करना सीखो, हमसे कॉन्टैक्ट करो। हंसते क्यों हो? आसमान से।